हे माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। अगर आपको पता हो कि मेरी सिस्टर आई है, क्योंकि वो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा उसे सरप्राइज किया था, तो वो किसी काम के चक्कर में मुंबई आई है। तो कल तो वो हमारे घर आ गई थी बिकॉज उसका काम इधर थाने में ही था, बट आज वो पवई है और अभी उसको फ्री होते होते 9 हो जाएगा और वो नहीं चाहती कि भाई 2 घंटे ट्रैवल करे, फिर प्रॉब्लम होगी उसको। तो मैं जा रही हूँ पवई और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ आप सबको? ये मैंने चोकर पहना है, एकदम गिफ्ट शर्ट। अगर इस शर्ट का व्लॉग देखना हो तो मैं लिंक में डाल दूंगी और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस लूज प्लस साइज शर्ट। तो ये पहना है एकदम शर्ट, जीन्स, और बेल बज गई है, मेरा पति आ गया। कैसी लग रही हूँ मैं? आ जा रही हूँ भाई। तो आई एम लुकिंग हॉट, वेरी आ जा रही थी तैयार होके। ये मैंने अपने लिए स्प्राउट्स पैक कर लिए ताकि मैं गाड़ी में खा सकूं, और अगर मुझे एकदम से भूख लगे है तो उसके लिए ये बैकअप प्लान। एक्चुअली उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है कि तू डिनर पे आ, बट मुझे चीट करने का मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ सूप पीऊंगी, सोच रही हूँ वहां जाके देखते हैं। बाल मेरे बिना रह लोगे? मत जाना। झूठा। तुम्हें तो स्पेस चाहिए थी ना। बहुत स्पेस, स्पेस, पीस। क्या करूंगा इतनी स्पेस का, क्या करूंगा मैं? तो कैब के अंदर बैठ के मैं जा रही हूँ होटल की तरफ, और वहाँ जाके मुझे पता लगता है कि मैडम जी लेट है और मैं आ गई जल्दी, और हमें 9 बजे एंटर होना था, अकेले एंटर होने का मन नहीं हो रहा था। तो ये कैफ़े के ठीक सामने एक पेड़ के वहाँ पे बैठी थी, मतलब यार इतना तैयार व्यार हो के ना बैठना अजीब लगता है, बट हमें उस रेस्टोरेंट में जाना था। फिर मुझे मिली एंट्री और मैं गई अंदर। अच्छा, यहाँ की वाइब थोड़ी ना वैसी थी विंटेज टाइप की, इसलिए लाइटिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बट बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। मतलब वीक के बीच में इतना भरा हुआ था, वीकेंड पे तो शायद लाइन लगती होगी, बट मैंने जब तक विधि नहीं आई अपनी पूरी पिक्चर्स वगैरह सब ले ली। अब आप बिलीव नहीं करोगे इस मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला था। हमने ऑर्डर किया था सूप, तो हम सूप वूप पी रहे थे, और जितने में एंट्री हुई बोमन ईरानी की भाई, और यहाँ हम दोनों ना वो बना रहे स्कीमें बना रही कि कैसे जाके फ़ोटो लें, अच्छा नहीं लगता किसी को डिस्टर्ब करना, बट हमें मिल गई फाइनली फ़ोटो उनके साथ। और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, मतलब इतने अच्छे से बात की ना हमसे, इतने अच्छे से पिक्चर्स ली कि मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमने खाए नाचोस और ये पुला अपार्ट ब्रेड, क्या बोलते हैं पुला अपार्ट ब्रेड चीज़ का, और ये सब खा के हम गए होटल विधि। तो हम विधि के होटल आ गए, ये विधि का रूम टूर देते हैं हम। ये बेड है, ये विधि का, ये हमारी विधि है, ये उसका सोफा एरिया है, और ये कंपनी का प्रोवाइडेड है, ये टीवी, और ये मैं, और बाथरूम भी देख लें। वाह यार, बाथरूम तो सुंदर है, काम बहुत सुंदर है यार। तो मैं और विधि अभी आ गए हम लोग रेस्टोरेंट से इसके रूम पे, और आज मैं यहीं होटल में सोने वाली हूँ। ये सब पहले शादी के पहले होता था, अब बस पार्टनर बदले। अब हम लड़कों को त्याग के लड़कियों पे आ चुके हैं। हम लड़कों के साथ होटल आते नहीं, हम लड़की लड़कियों के साथ हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। इतनी अश्लील बातें शोभा नहीं देती मुझे, शोभा। तो वी आर जस्ट गोइंग टू चिल, सो वी आर जस्ट गोइंग टू चिल, फन, मस्ती एंड बहुत सारी बातें। तो व्लॉग को अब एंड करते हैं और सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।